अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं जिब्रान खान की न्यूज़। जी हाँ, इसमें मैं आपको चार पांच पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि इंडिया की टीम इतने बुरे हाल में कैसे आ गई। जी हाँ, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बीसीसीआई ने इतना इन्वॉल्वमेंट कर दिया है आईपीएल के अंदर पैसा, और एक टीम सी बना ली है कि जैसे आईसीसी को भी साथ ले लिया है, बिग थ्री बन चुकी है ये। और इसमें इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बावजूद कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वर्ल्ड कप के अंदर कितनी बुरी तरीके से शिकस्त खा रही है कि न्यूजीलैंड से भी और पाकिस्तान से भी इनका मोराल बिल्कुल डाउन हो चुका है। इन्होंने आईपीएल के अंदर इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, खिलाड़ियों को इतना पैसा दिया जा रहा है। अच्छी बात है, पैसा दिया जा रहा है, लेकिन उसको यूज़ भी तो हो, कोई हासिल वसूल नहीं हो रहा है। आप इतने दिनों से इंडिया के अंदर आप खेल रहे थे, वहाँ पे आईपीएल भी आपका चल रहा था, उसके बावजूद भी जो है ना आपका बॉलर चल रहा था, ना ही बैट्समैन चल रहा था। आप अपना मेंटोर भी लेके गए थे, जी हाँ, ग्रेट धोनी, जो वो भी कुछ नहीं कर पाए, विराट कोहली और शिखर धवन, काफ़ी लोग थे, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही थी। असल में अब परफॉर्मेंस भी क्यों कर पाए वो, जब इतना पैसा जब वो आईपीएल के अंदर मिल रहा है इनको, और बीसीसीआई इतना सपोर्ट कर रहा है, आईसीसी भी सपोर्ट कर रहा है हर तरफ से। अब ये देखें, सबसे बड़ी चीज़ तो ये भी है कि इंडिया का जो पहला मैच था वो खेला पाकिस्तान से, फिर उसके बाद 6 दिन के बाद फिर इंडिया का न्यूजीलैंड से मैच हुआ। इसमें 6 दिन का गैप, इतना लंबा गैप क्यों रखा गया? आप ये सोच रहे होंगे कि हम पाकिस्तान को मारेंगे, फिर उसके बाद हमें जो है जश्न मनाना होगा, 6 दिन का गैप मिलेगा, हम फुल 6 दिन तक के जश्न मनाएंगे। और लाजमी बात है, रेवेन्यू भी काफ़ी इकट्ठा होता पाकिस्तान को हराने के बाद, और जो कमर्शियल मिलते हैं इंडियन मीडिया को और दूसरे चैनल्स को, तो काफ़ी इनकम होती इससे। लेकिन सारा मामला उल्टा हो गया, पाकिस्तान ने भारत को बहुत गहरी शिकस्त दी, और उसके बाद फिर तहस नहस हो गई इंडिया की टीम। जो जश्न मनाना चाह रही थी वो मना नहीं पाए, लेकिन वो उदासी में चले गई। और जब तीसरा मैच हुआ 6 दिन बाद, तो ऐसा लग रहा था कि कोई स्कूल का पेपर था, जो 6 दिन के बाद उन्होंने पेपर दिया, तो वो सब कुछ भूल गए। और जब पिच के ऊपर गए तो जो हाल हुआ इंडियन टीम का, न्यूजीलैंड ने, पाकिस्तान ने तो किया ही किया था, फिर न्यूजीलैंड ने भी इसके अंदर जो है हाथ धोए और बहुत शिकस्त दी इंडियन टीम को। उससे फिर सारी चीज़ें खुलने लगी। इससे पता चलता है कि बीसीसीआई सिर्फ पैसा बनाने के चक्कर में आपने अपनी इंडियन टीम को तहस नहस कर दिया। और इंडियन आवाम अब पूछ रही है, सबसे पूरे इंडिया से पूछ रही है कि ये क्या हुआ है हमारे साथ, जो वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम थी और आज वो सबसे नीचे टीम में आ गई हैगी। और बहुत से लोग तो ये बोल रहे हैं कि आईपीएल को बंद कर देना चाहिए, और सुनील गावस्कर साहब तो ये बोल रहे हैं कि भाई वर्ल्ड कप अहमियत नहीं है, लीग्स अहमियत है, यानी कि आईपीएल और दूसरी लीगें जो हो रही हैं वो अहमियत है। भाई सबसे बड़ा तो मेन फोकस होता है सब टीमों का वर्ल्ड कप। जी हाँ, वर्ल्ड कप ऐसी चीज़ है कि आपके मुल्क की जो आप जीतते हो वर्ल्ड कप, तो एक प्राउड महसूस होता हैगा। अगर आप एक गली मोहल्ले में या फिर आईपीएल आप करवा रहे हो, अगर आप जीतते भी हो तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ, आप अगर वर्ल्ड कप जीतते हो, कोई इतनी सारी दुनिया से टीम आ रही होती है उसमें आप वर्ल्ड कप जीतते हो, तो आपको लगता है प्राउड महसूस होता हैगा। और आप आईपीएल जीत के क्या प्राउड महसूस करोगे? आपके देश की ट्रॉफी हो रही हैगी, आपके देश के अंदर मैच हो रहा है, वही आप जीत रहे हो, तो इससे आपको क्या प्राउड महसूस होगा? और ये सुनील गावस्कर ने अजीब बात की है कि क्योंकि भाई पैसा इतना इन्वेस्ट हो रहा है, तो आप ये सोच रहे हैं कि क्या नाम है, वर्ल्ड कप हल्का पड़ रहा है आईपीएल के आगे, तो ऐसा हो नहीं सकता हैगा। वर्ल्ड कप देखने वाले भी लोग काफ़ी होंगे, और पीएसएल देखने वाले और आईपीएल देखने वाले भी काफ़ी लोग हैं, लेकिन ये बात गलत होगी सुनील गावस्कर की कि वर्ल्ड कप साइड में कर दें, आईपीएल को फोकस करें। आपने आईपीएल को फोकस किया और आपकी टीम का क्या बुरा हाल हुआ हैगा। ये बीसीसीआई भी अब सर पकड़ के बैठ चुकी हैगी, और क्रिकेटर भी अब सारे परेशान हो गए कि अब हम करें तो क्या करें।
अब जो तीसरा मैच उनके हाथ में है तो वो भी सोच रहे हैं अगर ये हार गए हम अफगानिस्तान से तो बहुत बुरा हो जाएगा, ये तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए वो फुल कोशिश करेंगे कि हम अफगानिस्तान को बीट करें, लेकिन अफगानिस्तान भी अब फेवरेट होती जा रही है, जिस तरह से उनके पॉइंट आएंगे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। सोचा नहीं था किसी ने कि इतनी जल्दी से पिक करेगी और सबसे ज़्यादा पॉइंट्स इन्हीं लोगों की हैं अफगानिस्तान के। और अगर अफगानिस्तान ने डिफीट कर दिया इंडिया को तो फिर तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। वैसे ही पाकिस्तान में इतने मीम्स बन रहे हैं इंडिया के ख़िलाफ़, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, फिर एक और चीज़ आ जाएगी कि भाई अफगानिस्तान ने भी मार दिया। अगर इंडिया ने मार दिया तो कुछ बेहतरी आएगी, इंडिया फिर दोबारा बैकअप हो सकती है। अभी थोड़ा बहुत चांस तो है लेकिन बहुत मुश्किल है कि ये सरवाइव कर जाए। लेकिन बीसीसीआई को देखना पड़ेगा, इन्होंने ज़्यादातर फोकस सिर्फ आईपीएल को ही रखा हुआ है, प्रिफे भी आईपीएल को किया हुआ है, सारा पैसा आपने इन्वेस्ट उसी में किया हुआ है, आईसीसी में भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, बातचीत चल रही है कि आपने किस तरह से शेड्यूलिंग रखी है कि वो समझ में नहीं आई। 6 दिन का आपने गैप क्यों रखा, उसमें आपकी टीम बिल्कुल मोराल आपका डाउन हो चुका है। अब बहुत मुश्किल है कि इंडियन टीम खड़ी हो पाए। अब ये इंडियन आवाम को भी थोड़ा फैसला लेना पड़ेगा कि वो अपनी टीम को बैक करें और लीग करें, लेकिन इतनी लीग ना करें, इतना पैसा आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया है और फिर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे ना। मेन चीज़ तो यही है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, जैसे वो पहले बैटिंग करते थे, एक ओपनर ही बंदा जो है तो इतना स्कोर कर दिया करता था, कोई 100 मार रहा है, कोई 50 मार रहा है, अब वो बात नहीं आ रही है। अब इस तरह से आप पाकिस्तान को ले लें, पाकिस्तान ज़बरदस्त बैटिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, फील्डिंग भी कर रहा है, वो उनके पास भी क्या नाम है PSL चल रहा है, उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है, लोग देखने तगड़े मैचेस हो रहे हैं उसके अंदर, उसका जो रिज़ल्ट सामने आता है उसको देख के फिर हम टीम में सिलेक्शन भी कर रहे होंगे PCB, उसके बाद फिर रिज़ल्ट आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह ये फाइटिंग करके लड़ लेंगे इंडिया और पाकिस्तान के। आप सब लोगों ने मैच देखा है पूरे एशिया के अंदर, वर्ल्ड में बहुत रेटिंग आई है इसकी और काफ़ी करोड़ों में कमर्शियल भी गएंगे, तो ये आप देख सकते हैं कि एक IPL का और PSL का दोनों जो है लीग से ही निकले हैं। इसमें से खैर टीम तो वनडे से भी निकली है, लेकिन जो खेलने हैं उसमें IPL के अंदर, PSL के अंदर, उसके बाद जो परफॉर्मेंस देख के टीम में आए, तो इंडिया तो बहुत बिल्कुल डाउन हो चुकी होगी और पाकिस्तान तो अभी टॉप पोजीशन पर आ चुका है। अभी इंडिया जो है, इंडियन जो अथॉरिटी है उनको ये चाहिए कि BCCI का जो चेयरमैन है उसको फारिग किया जाए वर्ल्ड कप के बाद, फिर एक नए सिरे से ग्राउंड लेवल के ऊपर दोबारा से परफॉर्मेंस करके लड़कों को टीम में लिया जाए। अभी बहुत सारे हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और दुबई के अंदर इतना अरसा ये लोग रहे, वहाँ पे प्रैक्टिस करते रहे, मैचेस भी हुए, IPL के अंदर खेले भी, उसके बावजूद परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, या तो फिर इनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। कुछ कोविड के अंदर भी ये लोग रह रहे के थोड़े फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि ऐसे पाकिस्तानी टीम के साथ भी बहुत हो रहा था, लेकिन ऐसा उन्होंने कम बैक किया है। पहले पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता था पाकिस्तान थोड़ी डरी सी रहती थी, लेकिन अब जो स्ट्रेटजी इन्होंने चेंज की है वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग थी, सही है। उसमें मिसबा और वकार यूनुस ने काफ़ी मदद की थी, फिर बहरहाल उन्होंने अपना रिटायरमेंट कर दी, रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि चेयरमैन चेंज हो चुका था PCB का, और उसके बाद फिर शकलेन मुश्ताक आए और फिर मैथ्यू हेडन आए, उन्होंने फिर जब कमान संभाली हैगी उसके बाद फिर और परफॉर्मेंस जो है निकली हैगी। उन्होंने सारी स्ट्रेटजी तो पहले बन चुकी थी, फिर उसके बाद जो है शकलेन मुश्ताक और इन लोगों के पास आए, इन्होंने भी अच्छा वर्क किया है, इन्होंने फुल हैंड दिया है प्लेयर्स के ऊपर, अपने ऊपर मैच हावी नहीं करना है, किसी बैट्समैन को अपने ऊपर हावी नहीं करना है या किसी बॉलर को अपने ऊपर हावी नहीं रखना है का। वो इसलिए अगर आप अपने ऊपर हावी रखोगे मैच फिर भी हारोगे, अगर नहीं रखोगे तो क्या पता आप जीत जाओ या फिर हार जाओ, और जब हारना ही है तो फिर खुल के खेलो, और जब खुल के खेलोगे तो फिर जीत भी होगी।
इसी तरह से अभी इंडिया का भी यही हाल है कि बहुत डाउन जा रही है कि उसको बैकअप करना पड़ेगा। आपके मेंटोर आपके साथ है, बहुत ज़बरदस्त धोनी है आपके साथ और सुनील गावस्कर भी हैं, काफ़ी लोग हैं। बहुत बड़ी खेप आई है इंडिया के साथ, पुराने क्रिकेटर्स के साथ वो आए हैं लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही। थोड़ी इनकी क्या नाम है काउंसलिंग करनी चाहिए, थोड़े डिप्रेशन में भी जा चुके हैं। इनको चाहिए कि इनका इंटरनेट जो है अभी इनको कट आउट कर दें, मीडिया चैनल से इनकी ज़रा अभी बातचीत ना करवाई जाए, क्योंकि जब वो चीज़ें देखेंगे, इतने मीम्स चल रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो वो देखते होंगे तो और घबरा जाते होंगे। अभी हम तीसरा मैच अगर हार गए तो फिर क्या होगा। ये चीज़ें इनके साथ जो है साइड में रख दी जाए और फिर पूरा फोकस रखा जाए तीसरे मैच के लिए, तो फिर इंडिया आगे बढ़ सकती है। अभी भी निकली नहीं है लेकिन पहुंच सकती है, कि जहाज़ वैसे तैयार खड़ा हुआ है, पहुंच सकते हैं ये मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर, लेकिन कोशिश करें, मेहनत करेंगे तो फिर ये आगे बढ़ सकते हैंगे। और भी जो चीज़ें आप निकलती रहेंगी आपको मैं बताता रहूँगा कि क्या न्यूज़ चल रही है क्रिकेट के मैदान में और शोबिज़ की दुनिया में, वो मैं सब आपको बताता रहूँगा। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।